हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए, सुबह के बजे हैं 9:30 और मैं हूँ इस टाइम अपने पशुओं के बरामदे में। यहाँ पर लग रही है बहुत अच्छी हवा, तो मैं खोर में हाथ निकालने के लिए आई थी, इनका चारा इकट्ठा करने आई थी, जो बचा हुआ होता है तो वो मैंने इकट्ठा कर दिया है ताकि इसमें पूरी में हवा लग जाए। और यहाँ की क्लीनिंग भी हो चुकी है पशुओं के नीचे की, ये देखिए। और किसी ने मुझसे कहा था कि अपने पशुओं के नीचे भी पक्का फर्श करा लीजिए, तो देखिए हमारे पशुओं के नीचे यहाँ पर जहाँ पर बरामदे में भी चारा खाते हैं वहाँ पर पक्का ही है, मशीन के नीचे पक्का है और ये बरामदे के नीचे है सब कुछ। और थोड़ा सा एरिया हमने जानबूझकर अपने घर में जो है आंगन में कच्चा छुड़वा रखा है, जहाँ पर हमारे पशु जो है एक साइड में बैठ जाते हैं आराम से, और उन्हें आराम भी मिलता है काफ़ी हद तक जब वे कच्चे में रहते हैं 2-3 घंटे के लिए। और थोड़ा सा पशुओं को अदलना बदलना जरूरी होता है, उनका पाचन भी सही रहता है। और जहाँ पर मैं खड़ी हूँ बरामदे में, यहाँ पर जो है सारे पशु कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। पक्के फर्श में क्या होता है कि पशुओं के जो है घुटने छिलने का डर रहता है, तो इसलिए हमने उन्हें नहलाकर फिलहाल के लिए तो अभी यहीं पर बांध दिया है बाहर की साइड जहाँ पर कच्चा आंगन है। और फिर जब दोपहर के टाइम उनके ऊपर आ जाएगी धूप, तो अब उन्हें बांध देंगे अंदर यहाँ पर, और यहीं पर हम लोग चारा खिलाते हैं। ये खोर है हमारे पशुओं की जहाँ पर वो अपना भोजन खाते हैं, ये देखिए। और ये चारा जो इकट्ठा हो चुका है, फर्श भी देखे सूख चुका है, सुबह क्लीनिंग हो चुकी है इनकी, जब इन्हें नहलाकर बाहर बांधते हैं उसी के बाद यहाँ पर क्लीनिंग कर देते हैं। तो साफ़ सफाई का भी इनके नीचे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, अपने अपने साथ में इनका ध्यान रखेंगे तभी ये स्वस्थ रह पाएंगे। तो देखिए अभी मुझे बनाना है खाना, जो ब्रेकफास्ट का काम है वो हमारा सारा ख़त्म हो चुका था, जितने हमारे सुबह अर्ली मॉर्निंग के काम होते हैं वो सब हम कर चुके हैं। और अब हमारे दोपहर के काम जो है वो 10 बजे शुरू हो जाते हैं, और मैं बनाऊंगी अब खाना। खाने में बनाऊंगी मैं मिक्स करके दाल, दालें जो हैं मैंने प्लेट में निकाल कर रख ली है, और अभी दिखाते हैं आपको कौन कौन सी दालें हैं। बहुत टेस्टी दाल बनती है, कई दिनों बाद मैं आज उसे बना रही हूँ मिक्स करके। तो देखिए आज हम बनाएंगे ये चारों दालें एक जगह मिक्स कर। ये उड़द की दाल है, ये काली मसूर की दाल साबुत मसूर, और ये है चने की दाल, ये है लाल मसूर, ये देखिए। और इन चारों को मिक्स करके बनाएंगे दोपहर के लंच के लिए, और चावल बनाएंगे, बहुत टेस्टी लगती है। काफ़ी दिनों बाद आज बना रही हूँ मिक्स करके ये वाली दाल मैं, और बच्चे भी इसे बड़े प्यार से खा लेते हैं। और चारों दालें एक जगह करके कितनी अच्छी लग रही है देखने में भी, ये देखिए, और बनने के बाद में भी इतनी टेस्टी लगेगी। अभी मैं इन्हें साफ़ करूँगी, देखती हूँ इनमें कोई कंकड़ वगैरह तो नहीं है, लिए अब ये दालें जो हैं साफ़ कर लेते हैं और इन्हें एक जगह इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फिर इन्हें मैं थोड़ा सा भिगो कर रखूँगी और कुकर में बनाऊँगी मिट्टी के चूल्हे पर ही, 2-3 सीटियों में बहुत बढ़िया बन जाती है। और मिलने के बाद में भी इन दालों को देखे कितने अच्छे से लग रही है ये दाल। तो दूध से नाश्ता करता है, उसे दूध दे देते हैं, जैसे आरुष और आरुषि को मॉर्निंग में दूध चाहिए होता है तो उन्हें नाश्ते में हम लोग दूध पिला देते हैं 1-1 सीसी। तो चलिए अपना काम पर लग जाते हैं, स्टार्ट करते हैं दाल बनाना। तो देखिए मैं आई हूँ यहाँ पर उपले लेने के लिए, मैंने नाश्ता बनाया, उपले खत्म हो चुके हैं नीचे, तो अभी एक तसला लेके जाऊंगी, जितने यूज होंगे उससे जो बचेंगे उनपे धूप लगाऊंगी, शाम के टाइम काम आएंगे खाना बनाने में। तो उपले रख लेती हूँ, तसला भर के ले जाऊंगी पूरा। और यहाँ पर थोड़ा सा माने आराम आराम से, जैसे बच्चों के पास रहती है तो थोड़ा सा साफ सफाई कर दी है, नहीं तो बहुत ज्यादा फैला हुआ था, गंदा भी हो रखा था। और ये रस्सी रखी हुई है जिसमें हमने झूला बनाया था, ये देखिए। इन उसका क्या करोगे, फोल्डिंगों का? ये फोल्डिंग जो है रिपेयर करवा कर रखेंगे और ऊपर डाल देंगे, जैसे बंदर बंदर है आराम तो कर लिया करेंगे, बेचारे थक जाते हैं वो। ये तो रिपेयर कराने की क्या जरूरत है, भी मस्ती कर लेंगे इनकी पट्टियों पर लटक लटक के। नहीं, आरामदायक बेड चाहिए बंदरों को भी। और ये जो फोल्डिंग है, ये मंजा मंकीज के लिए हम रिपेयर करा के ऊपर रखेंगे इसे अच्छी तरीके से। तो उपले हमने रख लिया है इसमें, अभी चलते हैं नीचे और फिर बनाएंगे दाल। ये देखिए पूरा भर गया ये तसला, तो अभी देखती हूँ यहाँ से कैसे निकला जाएगा। यहाँ पर पट्टी लगी हुई है और इसमें जो है मैंने कितने सारे रख लिए हैं। और देखिए सूखे उपलों में इतना वजन तो होता नहीं है, तो मैंने सोचा कि झुक कर निकल जाते हैं, थोड़े से उपले भी हमारे ऐसे ही चले जाएंगे, नहीं तो 3-4 उपले तो हमारे यहीं पर गिर जाते और फिर मुझे दोबारा से तसले में रखने पड़ते। तो देखिए मैं आ गई हूँ अभी नीचे, और नीचे आते ही बस काम स्टार्ट हो गया है। और प्रीति जो है बच्चों की बोतलें साफ़ कर रही हैं, और देखिए यहाँ पर मैंने
इस पे कुकर पे जो है मिट्टी लगानी शुरू कर दी है। और ये हमने लगा दी है इस पे मिट्टी, जिससे हम चूल्हे को लीपते हैं सेफ्टी के लिए कुकर की। एक तो ये काला नहीं होगा और इससे बर्तन भी कम घिसते हैं। माँ बोलती है इससे मजबूती होती है बर्तन की और एकदम चमकदार निकलता है मिट्टी के नीचे जैसे हम इसे साफ करते हैं। तो अभी पानी जो है मैंने ले लिया है कैंपर में से और इसमें डाल दूंगी मैं पानी कुकर में। कुकर में पानी डालने के बाद में मैंने इसे चूल्हे पर चढ़ा दिया है और अब मैं डालूंगी इसमें हल्दी नमक मिर्च। हल्दी नमक मिर्च डालते ही मैं इसमें दाल रख दूंगी। दाल में लगवाऊंगी 2 सीटियाँ, तीसरी सीटी आते ही ये घुल जाएगी क्योंकि मैंने इसको पहले ही भिगो कर रख दिया है। दालें हमारी बहुत अच्छे तरीके से फूल चुकी है और जब तक ये दाल उबलेगी तब तक मैं जो है अपने छौंक लगाने की यानी कि दाल में तड़का लगाने की तैयारी कर लूँगी। प्याज लहसुन टमाटर ये सब चीज़ें काट कर रख लूँगी और जितना मुझे सामान चाहिएगा वो भी मैं यहीं पर रख लूँगी। तो देखिए दाल डालने के बाद में अब मैंने इसमें डाल दिया सरसों का तेल। तेल मैं इसलिए डाली हूँ ताकि सीटी में जो है पानी ना। तो देखिए ये जो हरी मिर्च अब की बार मंडी से आई थी ये भी रखी हुई फ्रिज में लाल हो चुकी हैं। 1 किलो हरी मिर्च थी ये, अब थोड़ी सी बची हुई हैं, लाल हो गई हैं तो हम सोच रहे हैं धूप में डाल दें तो इनका भी फिर मिर्च पाउडर बना लेंगे पहले की तरह। और आरुष कह रहा है मिर्च नहीं डालना और जितनी भी हरी मिर्च बची हुई हैं इसमें इस तरीके की वो अलग छांट लेंगे और ये वाली लाल मिर्च जो है इनके डंठल उतार कर ये अलग छांट लेंगे। अब की बार जो है माँ ने डंठल पहले से ही तोड़ने शुरू कर दिए हैं, नहीं तो फिर सूखने के बाद में भी तोड़ने पड़ते हैं और इसमें रखने शुरू कर दिए हैं तो इसमें ही रखी हुई है, सूख जाएंगी इस टोकरी में। और ये बोल रही है मम्मी नीचे ही रख दो, मिर्च से डर लगा है। आरुषि कैसा हुआ है मिर्च खा के बताइए बताइए। मिर्च नहीं डाल ले, पाउडर बनाएंगे इनका, मिर्च पाउडर बनेगा इनका। तो भाई ये देखिए इस तरीके से माँ एक एक करके सबके डंठल निकाल रही है और सब इसमें डाल दी टोकरी में। कितनी अच्छी लग रही है, एकदम फ्रेश लग रही है लाल वाली मिर्च भी। हाँ पाउडर बनाएंगे इसका। नहाए हैं आप साबुन से नहाए या शैम्पू से? आज आपको माँ ने नहलाया, थैंक यू बोल दे माँ को। माँ थैंक यू, थैंक यू आपने मुझे नहला दिया। अपने बाल बालो अच्छे इस कंघे से, बाल बड़े हो गए आपके, आप तो गंजे हो रहे थे ना। ये तेल लगा के बड़े हो गए, चुटिया बना कर रहेगी, तो चिंकी की तरह है ना, जैसे चिंकी की तरह ही तौलिया लगा हुआ है सिर पे। आप क्या बन गए भाई? बाबा जी का बड़ा फिरे जा रहे हैं। सुपरमैन? अच्छा जी। तो दाल उबलने के बाद में अब यहाँ पर छौंक की तैयारी हो रही है। दाल में तड़का जो है मैं कढ़ाई में लगा रही हूँ, सरसों का तेल मैंने इसमें डाल दिया है और तेल गर्म हो चुका है। इसमें अभी डाल रही हूँ मैं जीरा प्याज, ये देखिए जीरा चटकते ही मैंने प्याज डाल दी है और सारा सामान जितना मेरी ज़रूरत का है मैंने सारे मसाले सब चीज़ें यहीं पर रख रखी हैं अपने पास में ही। और टमाटर जो है मैंने पीसा नहीं है, काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में। तो पहले टमाटर को बढ़िया तरह फ्राई कर लेते हैं और फिर डालते हैं इसमें हल्दी नमक मिर्च, ये डाल दिया है मैंने, हल्दी धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। और ये डाल रही हूँ अभी हींग और अब इन मसालों को भी फ्राई करेंगे। अब डाल दिया है नमक, नमक से टमाटर बहुत जल्दी से गल जाता है तो इन्हें फ्राई करते रहेंगे जब ये टमाटर जो है किनारों से तेल छोड़ देगा। तो देखिए टमाटर ने जो है किनारों से तेल छोड़ दिया है, अब मैं इसमें डालूँगी दाल। टमाटर मेरा बारीक हो चुका है और मैंने चमचे से इसको बारीक कर लिया है। कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है टमाटर की और दाल भी हमारी उबल चुकी है। अब कुकर खोलकर देखूंगी कैसी बनी है हमारी दाल। तो देखिए ये हमारी दाल बनके तैयार हो चुकी है। तड़का हमारा लग चुका है दाल में, देखिए कढ़ाई में ही तड़का लगाती हूँ जब भी दाल थोड़ी सी ज़्यादा बनानी होती है। और देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है दाल की। तो दाल बनकर तैयार है, देखिए दाल का कलर भी कितना अच्छा है। बस अब चावल बनाऊंगी। तो देखिए दाल हमारी एकदम रेडी हो चुकी है, अब बस इसे उतार दूंगी कढ़ाई को नीचे और इसे निकाल लूँ किसी बर्तन में जिसमें ढकी जा सके। और उसे क्या लेके आए भाई? प्याज। प्याज
अच्छा भाई, कहाँ से लाए ये? ऊपर से। किसने कहा था? चलो आप नाई नाई कर लो। अच्छा तुम बहन भाई दीदी नाली ना उस चीन की। हाँ मैं तो नाली अभी कुछ तो नाई बात सुन मैं। कौन आ रहा? गुड्डू। क्या लगे गुड्डू? गुड्डू दीदी बोलते हैं बेटा। गुड्डू दीदी नाई अभी। तो देखिए यहाँ पर मैं जो है चिंकी के बालों में कंघी कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से मम्मी बोल रही थी, मम्मी कंघी कर दो कंघी कर दो। और जब कंघी हो जाती है बच्चे जो हैं इस टाइम तैयार से होकर थोड़ा सा छत पर खेलने लगते हैं, तो बच्चों की तरफ से जो है बेफिक्र हो जाते हैं। नाश्ता वगैरह तो सब कुछ कर लिया है, तो अब मैंने इसके बालों में कंघी कर दी है। और बच्चों को इन्हें छोटे छोटों को मैं बोल रही हूँ आप नहा लो, तो ये भी नहा लेंगे। तो मैंने कुछ कपड़े जो हैं तार पर सूखने के लिए डाल दिए थे और कुछ रह गए थे बिना सुखाए हुए ड्रायर में, तो ये भी मैंने निकाल दिए हैं। सोफ़े के कवर है काफ़ी गंदे हो गए थे, बच्चे जो हैं नीचे डालते रहते हैं और ज़्यादा गंदे थे, तो मैंने सोचा अभी तो पता नहीं कितनी बार धोए जाएंगे, तो एक बार पहले से ही धो देते हैं, फिर इनमें ज़्यादा जो है गंदगी नहीं होगी। तो इन्हें आज मैंने धो ही दिया, तो अब मैंने इन्हें सूखने के लिए डाल दिया है। और देखिए सारे कपड़े जो हमारे धुल चुके हैं, खाना भी बन चुका है और कपड़े भी धुल चुके हैं, आधा काम निपट चुका है। और बस फिर मुझे रोटियां सेकनी रह जाएगी। चावल मैंने एक सीटी लगाने के लिए रख दिए हैं मिट्टी के चूल्हे पर ही, क्योंकि उस पर कुकर पे जो है मिट्टी चढ़ा रखी थी, तला चढ़ा रखा था, तो सोचा कुकर में ही उबाल लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारे यहाँ का शाम के टाइम का नज़ारा, कितने अच्छे घने बादल छाए हुए हैं आसमान में, कितना अच्छा नज़ारा है। और सूरज जो है छिप चुका है, ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है हमारे गांव का इस टाइम। घने बादल, कहीं पर धूप कहीं पर छांव, और ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे पहाड़ियाँ सी हों बादलों में, एकदम वही वाला नज़ारा यहां पर दिखाई दे रहा है। ये हमारे यहां की इवनिंग ब्यूटी। और देखिए रात के बज चुके हैं 8:30 और खाना पीना हम लोगों का हो चुका है। अब मैं जाऊंगी छत पर और वीडियो एडिट करनी है अभी मुझे। तो देखिए अलमारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इस वाली दीवार पर भी टाइल्स लग चुकी है। ये वाली टाइल्स आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पसंद आई है या नहीं। और नीचे भी लग चुकी है, फर्श पर भी, और धूल मिट्टी तो आप लोग देख ही रहे होंगे कितनी ज़्यादा हमारे घर में सामान पर चढ़ चुकी है। और देखिए इस तरह की हैं ये टाइल्स, और अरविंद भैया ने जो है साथ के साथ ऊपर से ये साफ कर दी है इस दीवार पर। और खिड़की की साइड में वो दीवार है वहाँ पर लग चुकी है। अभी तीसरी तरफ की एक साइड रह चुकी है, इस साइड के बस इतना ही काम हो पाया है, बहुत काम होता है पूरे दिन में। और इसके अलमारी के नीचे रह गई है, कल ये कमरा जो है हमारा कम्प्लीट हो जाएगा और फिर इसमें जो है हम लोग साफ सफाई करेंगे और अपना सामान सेट करेंगे। तो देखिए ये वाला कलर मुझे अच्छा लग रहा है, प्लाईवुड जैसा लगता है ये एकदम से। और पूरा कमरा जो है आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सबको मेरा राम राम।